हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूड एंड ब्यूटी। मेरा नाम है अंजलि। तो फ्रेंड्स, जो है आज मैं एक और वीडियो लेकर आई हूँ मामा अर्थ एग प्लस शैम्पू की। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है 267 रुपीज़ का, बट इसका एक्चुअल प्राइस है 349। और आप चाहे तो डायरेक्ट मामा अर्थ की ऐप से ले सकते हैं या नायका या पर्पल से भी ले सकते हैं। और ये जो है 250 ml है, 267 रुपीज़ में 250 ml मुझे फ्लिपकार्ट से मिला। और साथ ही साथ जो है इस शैम्पू के बारे में जो रिव्यू ये देने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे यूज़ करते हुए थोड़ा बहुत ही टाइम हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। तो इस शैम्पू के बारे में अगर बात की जाए तो इसका जो टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, और साथ ही साथ जो है ये स्कैल्प के लिए भी बहुत अच्छा है। किसी की ऑयली स्कैल्प होती है या किसी की डैंड्रफ होते हैं, तो एग जो है हमारा बूस्ट करता है स्कैल्प में और हेयर्स को, ताकि हेयर की क्वालिटीज़ अच्छी हो। और आप देख रहे हैं हेयर मेरे कर्ली हेयर हैं। हर किसी के बालों का टेक्सचर बिल्कुल अलग होता है, लेकिन जो ये शैम्पू है अधिकतर सभी के बालों को बहुत सूट करेगा, क्योंकि ये शैम्पू बहुत ही अच्छा है, गुड क्वालिटी का है और बहुत ही लाइट वेट है, केमिकल ज़्यादा नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, इसमें कोई कलर नहीं है, कम से कम केमिकल का इस्तेमाल हुआ है इस शैम्पू में। और आप देख सकते हैं कितनी जो है टेक्सचर, इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं है, सबसे अच्छी क्वालिटी है। और साथ ही साथ जो है इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही भीनी भीनी है, बहुत ही हल्की है। और इसे जो है कईयों की स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, उसे सर में चढ़ती है शैम्पू, वो अच्छे नहीं लगते। आई लव इट दिस स्मेल। एंड जो सबसे बड़ी बात, इसकी एक बात बताना चाहूँगी कि हम एग लगाते हैं, बहुत से लोग बहुत अवॉइड करते हैं इंक्लूडेड मी, कि एग की स्मेल बहुत सर में चढ़ती है, हम एग यूज़ नहीं कर पाते सर में बालों को लगाने के लिए, ताकि बालों की क्वालिटी अच्छी हो। तो ये शैम्पू बहुत ज़्यादा काम आएगा उस पर्पज़ में। तो अंडों की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, तो उससे अच्छा है कि हम शैम्पू यूज़ कर लें। और इसके साथ एक कंडीशनर भी आता है, अगर आप वो कंडीशनर लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, बट मैं जो है कंडीशनर वो यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि मुझे पर्सनली जो है मैं लोरियल पेरिस का एज अ जो स्पा है वो एज अ कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने उसको अभी नहीं लिया, खाली मैंने शैम्पू ही परचेज़ किया था। बट सब लोग यही कह रहे हैं कि शैम्पू के साथ कंडीशनर भी वो अच्छा रहता है, बट नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी कंडीशनर। अभी तो मैंने शैम्पू यूज़ करा तो मुझे अच्छा लगा, तो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। तो आप देख सकते हैं हेयर वॉश करने के बाद कितना अच्छा जो है बालों का शाइनिंग आई है, अच्छे हुए हैं। ये बहुत ही ऑनेस्ट और डेमो रिव्यू मैंने दिया है आपको। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से जाके लाइक हिट बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल पे कमेंट ज़रूर कर देना, अच्छा हो या बुरा हो ज़रूर कमेंट करना। ओके, बाय बाय।